सवाल नहीं होता था पहनने का। कोट तो कयामत आ जाए अगर स्लीवलेस कोई पहन ले कि नहीं शादी के बाद पहने, अभी घर में नहीं पहनना। मुझे वैसे इसका तो बड़ा शौक है नाक में नोज पिन का। हाँ, क्योंकि आप देखें आप 10-10 बच्चियों की नाक छिदी भी होती है, 10-10 साल की 14-14 और सब हीरे की कीने पहने रहती हैं। सही, तो कुछ फर्क लगना चाहिए ना जरा सा। भाई हाय अच्छा हुआ आपा हमने पहले बता दिया, तो मेरे कुछ चांसेस थे नोज पिन के। नहीं अभी से अच्छा वरना आपा टोक देती है भी ये क्या। नहीं नहीं देखो तुम्हारे मुमकिन माई अम्मी को अच्छा लगे मेरा बोलने का, लेकिन एक पुराने जमाने की बातें थी, बाकी जगह पुरानी बातें थी सुनती हूँ और अमल करती हूँ। अच्छा के सामने कभी पैर फैला के नहीं बैठो, पैर समेट के बैठो। आप देखो मेज पे जूते समेट पैर फैला के बैठते हैं, बाप सामने बैठे होते हैं, माँ सामने बैठी होती, पैर हिलाते रहते। ये छोटी छोटी बातें थी जो जिंदगी में बहुत काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। हमारे कैमरामैन डर गए होंगे, उन पर इशारा हो गया, वो कह रहे होंगे हैं पापा ने मुझे कब देखा पैर फैला। अच्छा कौन है सवाल करता है? आयशा जी फ्रॉम कराची कशान। आयशा ओके अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अबीर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, सुनाओ कैसी हो? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो बेटा आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, मैंने आपके लौकी के सिक कबाब भी बनाए थे और माशाल्लाह और डिशे भी काफी बनाई थी। अच्छा चलो वेरी गुड, यानी कि मेरी पूरी फैमिली मेरी मदर होते हैं सब आपको देखती हैं फॉलो करती हैं। अच्छा, आपको बहुत चाहती है यानी कि बताना थी इनको पूरी शादी में। थैंक यू, आपका प्रोग्राम देखिए, रिदा आपकी का प्रोग्राम भी देखती हूँ, जाकिर भाई का, गुलजार भाई का, सब देखती हूँ। इसका मतलब आयशा सारा टाइम टीवी के आगे बैठती हो, सबके प्रोग्राम देखती हो? ट्राई करती हूँ अच्छी बात है, ये सारे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैं ताकि जो है ना किचन से मजे मजे की खुशबुएं आती रहती होंगी और अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती रहती होगी, है ना? बस देखो, और आपको मालूम है कि ना मैं कॉल के साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ। हाय बड़ी हार्ड है, नमाज भी पढ़ ली होती हूँ टाइम के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात। मुझे आपसे ये बात कहनी थी, आपा जब मेरी शादी हुई है ना 10 महीने हुए मेरी शादी को। अच्छा, आपा मैं शादी से पहले दुबली थी, ठीक है, बहुत कमजोर थी। हाँ। लेकिन अब शादी के बाद ना फूल गई हूँ, खुशी है, मेडिसिन ने फुला दिया, खुशी है, फूल गई। अच्छा बहुत खुशी हुई होगी ना? खुशी नहीं खुशी में फूल गई आपा। हाँ बेटा, आपा मैं शादी के बाद फूल गई हूँ, मुझे कुछ बता दें क्यों नहीं आ रहा? बेटा खाने पे कंट्रोल करो, टीवी बैठ के मत देखो, कह क्या नहीं खाना नहीं खाती मैं, और ब्रेकफास्ट में डबल रोटी वगैरह ले लेती, कभी स्लाइस अंडा बना के खा लेती। अच्छा दिन में कोशिश करो सैलेड खाओ, ठीक है, और रात में कोशिश करो अगर रोटी खा रही हो तो रोटी खाओ, चावल खा रही चावल खाओ, दोनों चीजें साथ नहीं खाओ। और आपका कोई मतलब मुझे बता दे देसी जोश का मैं यूज कर लूंगी? सुबह 5 ग्लास छोटे ग्लास ले लो और 5 ग्लास पानी पियो। पेट भी निकल गया ना? हाँ पेट भी निकल गया। अच्छा सुन ले अभी, अच्छा कोई बात नहीं, आपा बता रही है सुन ले। देखो सुबह उठ के 5 ग्लास पानी छोटे ग्लास ले लो, नीम गरम पानी पिया करो, एक बच्ची को इतना फर्क पड़ा है मैं कल पहचानी नहीं उसको, पता है? तो ये अच्छी बात है। 5 ग्लास नीम गरम पानी सुबह ही सुबह पियो, सुबह ही सुबह पियो, तो उसके थोड़ी देर बाद नाश्ता करो, नाश्ता करो और नाश्ते में भी और ग्रीन टी पीना शुरू करो, बहुत अच्छी चीज है, दुबला कर। बिल्कुल ग्रीन टी पिए, खाने के दौरान पानी नहीं पियो, खाने के दौरान पियोगी ना तो बदन बहुत बुरी तरह फूलता है। बिल्कुल। अच्छा जी एक और कॉल से बात करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सऊदी अरेबिया से समरा जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, समरा की मम्मा बोल रही हूँ अबीर जी। अच्छा उनकी मम्मा बात करिए। आगे भी मैंने आपको फोन किया था जी, आसमा ताहिर ने आगे भी आपको फोन अच्छा, किया। हाँ, हाँ, बोले बहुत आपके क्वेश्चन के जवाब देने। हाँ, हाँ, दीजिए बोले जी। वो एक तो अंगूर दूसरा खुबानी। अच्छा अंगूर से क्या बनता है? अंगूर से किशमिश। ठीक है ठीक है ठीक है। खुबानी खुशक करके बनती है। बिल्कुल सही। और आलू बुखारा खुशक करके बनते हैं जो बिरयानी में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। और मैगजीन मिलेगा हमें? मैगजीन मिलेगा इंशाल्लाह, जरूर मिलेगा। आप जो है पाकिस्तान का नंबर लिखवा दूंगी। हाँ बिल्कुल लिखवा दे, आपके पाकिस्तान में जो भी कोई रिलेटिव है ना उनका नंबर आप अभी लिखवा दे, कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर देते हैं आपकी कॉल। ठीक है
ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। देखते ही देखते हलवा रेडी हो गया आपा, और क्या अच्छा सा लग रहा है। अच्छा हमने शीरे में आलू मिला दिए थे, उसके बाद पकाया था, हल्का सा थोड़ी देर पकाया, 5 मिनट से बस, 7-8 मिनट पकाया, और उसके बाद उसको डाला। अभी शीरा जम जाएगा, इसके ऊपर खोया डाला, पिस्ते बादाम डाले, और ये हो गया है रेडी। बस थोड़ी ही देर में शीरा जैसे ही रेडी हो जाए, अच्छा शीरे का तान नहीं बने, तो जैसे ही चीनी मेल्ट हो जम जाता है वो, तो फिर ठीक है, चीनी जैसे ही मेल्ट हो। और ये अब इसको चांदी के बर्फ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मुझे मिले नहीं इस वक्त, तो मैं नहीं लाई। लेकिन अगर आपके पास है असली चांदी के बर्फ, फॉइल नहीं, तो आप लगा लो। हाँ समान है, ये है माइयों का, मुझे हलवा लग रहा है, ये माइयों में और रसम में अभी हलवा कहलाते हैं, येलो कलर में है बिल्कुल। ठीक है जी, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये झटपट आलू का हलवा हो गया है रेडी, ये खूब मजे की खुशबू तो आ रही है, हम शौक होगा भी खूब अच्छा सा। पर अभी के लिए आपके पास दो और रेसिपीज जो अभी आपने जानी है, पालक पूरी है और पनीर के कोफ्ते हैं जी। पर सवाल फिर से रिपीट करते हैं, आपने बताना कोई भी दो ऐसे फल जिनको ड्राई करके ड्राई फ्रूट बनाया जाता है, क्या सही लगता है 888-1 पे बता दीजिए जल्दी जल्दी। आप लोग की और कॉल्स भी लेंगे, बातें करेंगे ढेर सारी, लेकिन एक छोटा सा ब्रॉड सवाल। आलू का हलवा, अज्जा आलू 4, खोया 1 पाव, चीनी 1 प्याली, छोटी इलायची 7, जर्दे का रंग थोड़ा सा, चीनी 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, बारीक कटे बादाम पिस्ते हसबे जरूरत। पूरी अज्जा, पालक 1 गठी, हल्दी 1 चुटकी, आटा 2 प्याली, मीठा सोडा थोड़ा सा, चीनी 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हसबे जायका। प्रोग्राम हांडी, जहाँ पर अब हम बना रहे हैं पनीर के कोफ्ते। आलू का हलवा हो गया है रेडी। अच्छा ये हटाएं आप, क्या हटाएं? ये हटा लें, हलवे वाला, हलवे वाली, ये भी हलवे वाली है। अच्छा ये दो नीचे रख देते हैं। अच्छा आप देखो, हमने 2 पैकेट कॉटेज चीज लिया था, उसमें 2 स्लाइसेस मिलाए, उसको बीच का नरम हिस्सा, ठीक है, लोग पानी में भिगो के मिलाते हैं, मैं वैसे ही मिलाती हूँ, वो पानी पे छोड़ देते हैं। आपका कितना पानी है? तो फौरन एब्जॉर्ब करता होगा ब्रेड पानी। तो ये हम इसमें हम मिला रहे हैं हरी मिर्चें, फिर इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, भुना जीरा, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और 1 अंडे की सफ़ेदी, और ये घी में भुना हुआ बेसन है, ये मिलाएंगे इसके अंदर, और फिर कोफ्ते बनाएंगे, इनको तलेंगे, तल के फिर मसाला बनाएंगे। प्याज ब्राउन करके लाई हूँ, आधी प्याज इसमें डालेंगे, उसमें दही, अदरक, लहसुन, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, ये सब डाल के भूनेंगे, भून के तले हुए कोफ्ते डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, हिलाएंगे, कोफ्ते तैयार। वाओ क्या बात है, इजी और क्विक रेसिपी कोफ्ते की, और क्या मज़े के कोफ्ते बनेंगे, पनीर के कोफ्ते। अच्छा ऐसे ही बच्चों को तो बड़े पसंद आएंगे पनीर के। अच्छा 2 पैकेट कॉटेज चीज़ लिए, उसमें 2 स्लाइस काफ़ी है? हाँ 2 स्लाइस काफ़ी, 2 स्लाइस काफ़ी है। कॉर्नर्स निकाल के सिर्फ सेंटर पर थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, क्योंकि इसमें नमक होता है। 1 चाय का चम्मच हमने काली मिर्च डाल दी, हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया, 1 चाय का चम्मच हमने भुना हुआ जीरा डाल दिया, भुना हुआ जीरा, ये बेसन है, ये बेसन कितना है, 2 टेबल स्पून। हाँ ठीक है, 2 टेबल स्पून बेसन, ठीक है। अब इसको मिक्सअप कर रहे हैं। मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने अभी अभी हम लोगों को ज्वाइन किया, ताकि उन लोगों को समझ आ जाए, और जल्दी से 888-1 पर SMS कर दे। मसाला टीवी फॉर्मेट के लिए आप बता रहे हैं कि वो कौन से कोई भी 2 फलों के आपने नाम बताने जिनको खुश करके ड्राई करके ड्राई फ्रूट या फिर मेवा बनाया जाता है। 2 फलों के कोई भी नाम बता दीजिए 888-1 पर, जल्दी जल्दी SMS कर दीजिए, और आपको मसाला टीवी फॉर्मेट मिल सकता है, तो जल्दी जल्दी बताइए और कॉल भी कर सकते हैं, और कॉलर से बात करते हैं। समरीन जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। और ज़ुबैदा आपा, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। और आपकी तमाम रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, जीती मैं शौक से बनाती हूँ, और आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही होती हैं, रोज खाना मैच करके जो है ना आप पहनती हैं सही। बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मजे की बनती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या कहेंगी, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन आप सारी पूरी कर देती हैं, कोई रिक्वेस्ट। अच्छा मैंने ज़ुबैदा आपा से पूछना था कि मेरी शादी हुई है 2-3 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद एक बेटा हुआ है, माशाल्लाह 2 साल का है बेटा, माशाल्लाह। तो पेट मेरा बाहर निकल आया है। अच्छा।
बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है इसकी। ठीक, बता। इसका कोई प्रे दूसरा ये कि मेरे अब्बू हैं उनको शुगर है। अच्छा। तो उसके लिए कोई ठीक ठीक है दोनों चीजों का आप बताते हैं, आप फोन रख दीजिए। अच्छे सवाल का जवाब देंगे आप? जी, एक है अंजीर और दूसरे खुबानी। खुबानी और दूसरा अंजीर। अंजीर किससे बनती है? अंजीर हरी होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता था वैसे। अंजीर पहले हरी होती है, बाद में ब्राउन होती है। बहुत खूबसूरत होती है। मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा अंजीर किससे बनती है? बहुत खूबसूरत। चले वाह। हाँ, मैंने इसका दरख जरूर देखा है। अंदर से पिंक होती है। ओह यस शापा। मैं तेल देना बेटा। ओह थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, आपकी जो पहली प्रॉब्लम है वो तो आपके, आप कोई टाइट चीज पहना करें, खाने के दौरान पानी नहीं पिए बिल्कुल, भूल जाएं खाने के आधे घंटे पहले, खाने के आधे घंटे बाद पिएं, और कोशिश करें सुबह छोटे ग्लास ले लें और 5 ग्लास नीम गर्म पानी पी के बिस्तर से उठें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। फिर ये कि ज़रा सी वॉक करें, और खाने के दौरान पानी नहीं पियेंगे आपको खुद। अच्छा, रोटी चावल साथ नहीं खाएंगे, आप जहाँ हैं वहाँ इतनी अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं, दोपहर में आप सैलड बना के खा लें, और रात में जो खाना पकता है खाएं, लेकिन अगर रोटी खा रही हैं तो रोटी खाएं, चावल खा रही हैं तो चावल खाएं, और भूख रख के खाएं। जब आप सुबह 5 ग्लास पानी पियेंगे तो आपकी भूख खुद ब खुद कम होने लगेगी, क्योंकि बदन की चर्बी अंदर पिघलती है तो उससे भूख कम लगती है। आप करके देखो, इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है। और शुगर का? और शुगर का ये है बेटा, आप वहाँ भिंडी मिलती है, आप भिंडी रोज़ाना रात 2 भिंडियाँ लो, उसके ऊपर का हिस्सा काटो, नीचे का चीरा लगाओ, 1 ग्लास पानी में डिप करके ढाक के रख दो, फ्रिज में नहीं बाहर, सुबह उसमें लेस आ जाएगी। बगैर हिलाए हुए भिंडियाँ फेंक दो, वो लेस वाला पानी सुबह सुबह अपने अम्मा को पिलाओ। टेस्ट करा के पिलाना शुरू करो, 10 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराओ, तो तुम्हें ज़मीन आसमान का फर्क लगेगा। चले इंशाल्लाह, ज़रूर आप ट्राई कर लीजिए, और बहुत अच्छी टिप्स हैं ये, हम फौरन अमल कर दें। अच्छा आपा, हमने कॉटेज चीज़ में आपने थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर दी, थोड़ी सी मज़े के लिए कर दी, करना चाहें करें, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ना हरी मिर्च डालें ना लाल मिर्च डालें, सिर्फ काली मिर्च डाल दें। अच्छा, आपने पुदीना और हरा धनिया दोनों, हरा धनिया डाले दोनों डाले, और हरी मिर्च डाली थी, जीरा था और काली मिर्च और नमक के साथ। ये आपा बॉल्स इसके रेडी करती जा रही कोफ्ते। अच्छा जी, कॉलर हैं, कौन है? हेलो। और एक अंडे की सफेदी डाली। हाँ, एक अंडे की सिर्फ सफेदी जाएगी आपा, क्योंकि सफेदी से ये बाइंड हो जाती है। अच्छा, डबल रोटी और अंडे की सफेदी से। अच्छा, अब तुम तेल डालो देखती में बेटा, पहले नहीं फ्राइंग पैन में डालो, पहले कोफ्ते तल लो। थी क्या आपा, देखती में फ्राई तो नहीं होंगे, हम फ्राइंग पैन ले लें। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आ गया। आप बोले अभी भी नहीं आया अबील, तो फिर क्या बनेगा तुम्हारा? अच्छा, तो आपका कितना ऑयल? ज़रा सा ऑयल डाल, बस बस। ये ऑयल गया है, अभी हम जब तेल हो जाएगा तो यह तलना शुरू करेंगे, मसाला तो 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है जी, आखिर में बस पूरियाँ रह जाती हैं। हरी हरी पालक की पूरी।